गाइस आ गए एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ में। और गाइस क्या आपको पबजी में सेटिंग करनी है मतलब सेंसिटिविटी सेटिंग करनी है? अगर करनी है तो भैया इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं यार कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद सेटिंग के बारे में पूरा मतलब तुम्हें सब पल्ले पड़ जाएगा और तुम अपने दोस्तों के बताओगे यार कि भैया प्रो सेटिंग कैसे करते हैं, जीरो रिकॉइल कैसे करना है। और गाइस आज की हमारी इस वीडियो में भी कूपन कोड मिलेंगे, इस चैनल में भी कूपन कोड मिलेंगे। और गाइस चलो यार सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं। और गाइस आज की हमारी इस वीडियो का फर्स्ट कूपन कोड है, आपको कहीं इधर कहीं मतलब कूपन कोड शो हो रहा होगा। अगर आपको नहीं पता कूपन कोड क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हाउ टू यूज रिडीम कोड वाली, तो जाके उसको देखो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। और चलो फिर आपको बताते हैं पबजी में कैसे सेटिंग करते हैं, मतलब सेंसिटिविटी सेटिंग करते हैं। तो चलो फिर बूम। तो गाइस आ गए हम गाइस यहाँ पर सेटिंग्स पे जाने के बाद गाइस अपन चलते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे। और गाइस ये जो सेटिंग्स है मैं ये यूज करता हूँ पर्सनली गाइस, अगर आपको यूज करनी हो तो कर लेना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देख लो, आप अपने हिसाब से सेटिंग क्रिएट कर लोगे जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए टू जेड, ठीक है। तो ये सेटिंग्स मैं यूज करता हूँ गाइस, यहाँ से अपन इस सेटिंग्स को कर लेते हैं गाइस क्या रीसेट हाई पे चल जाते हैं और आपको दिखाते हैं यार कि कौन सी सेटिंग कैसे काम करती है। ओके गाइस तो हम आ गए यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लोग गाइस, ये हमारा थर्ड पर्सन कैमरा होता है गाइस, ये होता है आई बटन का। तो गाइस आप देखो इसको मैंने वन कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो गाइस जैसे ही हमने यहां पर बंद करा है, यहां पर देखो मैं आई बटन को मूव कर रहा हूं तो लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस जैसे ही अपन सेंसिटिविटी में जाके इसको थोड़ी बहुत इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं इजीली ये काम कर रहा है। जैसे कि बंदे पीछे पीछे के देखने होते हैं तो ये बहुत ही चीज काम करती होती है। ये कैमरा हो गया गाइस हमारा पैराशूट के लिए होता है, और ये फर्स्ट पर्सन कैमरा हो जाता है गाइस हमारा एफपीपी मोड के लिए, जिसको आप बोल सकते हो ये एफपीपी फर्स्ट पर्सन भैया वहां पर यूज करने के लिए। तो गाइस आप इनको अपने हिसाब से अपने फोन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइस, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना ट्रेनिंग मोड पे जाके। अब बात करते हैं ये वाला सेक्शन कैमरा वाला। तो गाइस थर्ड पर्सन नो स्कोप, ठीक है, ये होता है गाइस क्या, चलो आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर थर्ड पर्सन नो स्कोप, जैसे कि दोस्तों राइट लेफ्ट कर रहा हूं ना मैं, ये मूव करने के लिए आपका रिफ्लेक्स टाइम है मूवमेंट के लिए काम आता है। तो इसको गाइस आपको क्या करना है, इसको कर दो भैया इंक्रीज। मैं आपको गाइस बता दूं इसको मैं हाई सेंसिटिविटी में ही खेलता हूं थर्ड पर्सन नो स्कोप की गाइस कैमरा की, जिसकी वजह से मैं बहुत ही फास्टली मूव कर पाता हूं और बहुत काम आता है यार रिफ्लेक्स टाइम के लिए। मान लो इसको अपन कर देते हैं भैया कम, ठीक है ये कम नहीं करना है, ठीक है ये कम कर दो, बहुत अटक जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो गाइस ये, ठीक है यहां पर मैंने इसका कर लिया, ये चीज होती है गाइस अपना रिकॉल हैंडल करने के लिए, अपना मूवमेंट मतलब अपने जब आप स्कोप ओपन करते हो उसकी मूवमेंट, ठीक है। तो मान लो इसको अपन वन कर देते हैं तो अब देखो तो गाइस देख रहे हो पूरा का पूरा अटक गया है ये, मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, 1% हो रहा है। तो गाइस अब देखो इसको अपन कर देते हैं क्या फुल, अब देखो इसके नशे ये देखो। तो ये गाइस काम करती है जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे में एम स्विच करते हो तब ये चीजें काम करती हैं। तो मान लो ये मेरे लिए बेस्ट होती है 35, आप अपने हिसाब से रख सकते हो 30 या फिर 31 या फिर 28 गाइस अराउंड अपने हिसाब से रख लो। यहां पर मैं 35 रख लेता हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग मोड पे और सीख सीख के एक एक गन का आपका रिकॉइल सेट करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसे काम करती है ये देखो ये ऐसे, ठीक है। आप जब भी स्कोप ओपन करके उसको हिलाओगे या फिर जो भी करोगे तो उस हिसाब से ये कैमरा काम करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस अपनी क्या 3x की। अब जैसे कि दोस्तों हम यहां पर आ गए, ये 3x जैसे ये मूवमेंट करते हैं, जैसे स्कोप ओपन करा ये मूवमेंट होती है गाइस ये वाली जो हिला रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं कैमरा सेटिंग। और जब फायरिंग करते हो तब वो हो जाती है गाइस एडीएस सेटिंग। तो इसको अपन बंद कर लेते हैं, दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल स्टक हो गया है यहां पर, 1% ली हिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसको मतलब मूव करना है, ये क्या होता है गाइस लॉन्ग रेंज में अगर आपको स्विच करना हो किसी से दूसरे एनिमी से तीसरे एनिमी पे एम, तो वहां पर ये काम करता है। तो मैंने गाइस फुल कर दी, तो अब देखो इस M4 के भी ये 3x के नशे। तो यहां पर गाइस ये काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आपको एक्यूरेट रखना है कि आप बिल्कुल इजिली भैया मूव कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर अपन इसको रख लेते हैं अराउंड 30 या फिर 35 के अराउंड रख लेते हैं, मैं तो उसको 28 रखता हूं लेकिन मैं आपको 39 पे दिखाता हूं। तो ये ठीक रहेगा ना गाइस, अगर आपको एक एनिमी है आपको दूसरे एनिमी में स्विच करना है तो ये उस टाइप से काम करता है। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर कर रहा हूं, आप एग्जांपल के तौर पे देख लो, मान लो सामने एनिमी एक यहां पर एक और यहां पर, तो आपको इस टाइप का स्विच करने में ये बहुत ही हेल्प करती है सेटिंग्स, ठीक है।
तो गाइस ये हो गई। अब कर चलते हैं गाइस, आपको 3x समझ आ गया। इसी तरीके से गाइस आप कैमरा की सारी सेटिंग्स को कर लो यार 4x, आपको पल्ले तो पड़ गया होगा कि कैमरा सेटिंग्स कैसे काम करती हैं। ओके तो देन गाइस आपको ये चीजें मतलब ट्रेनिंग मोड पे आनी है और करनी है, ठीक है, सेटिंग करनी है भैया, सीखना है। और गाइस ये फर्स्ट पर्सन हो गया जो हो जाता है एफपीपी मोड, दोस्तों मैंने बंद कर दिया देखो, ठीक है, ये बंद कर दिया तो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। अगर आप एफपीपी मोड खेलते हो तो उसकी भी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, तो यहां पर मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो अब देखना गाइस कि मेरा ये बहुत ही इजीली मूव हो रहा है, मतलब ज्यादा ना कम, बिल्कुल मिडिल में रखना है जिसका आप यूज कर पाओ, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं यार एडीएस सेटिंग्स की। तो देखो यार एडीएस क्या होता है, जब आप फायर करते हो ना, स्कोप ओपन करने के बाद जो फायरिंग होती है उसको एडीएस बोलते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने वन कर दिया गाइस, ठीक है। अब देखना नो स्कोप होलोग्राम की सेटिंग मैंने वन कर दिया। अब देखना जो गाइस ये होता है क्रॉसियर, क्रॉसियर को गाइस ध्यान से देखना, ये सेटिंग होती है गाइस क्रॉसियर की, ठीक है भाई लोग, बहुत लोगों को ये नहीं पता यार कि क्रॉसियर की सेटिंग कहां पर होती है, ठीक है। जब आप बिना स्कोप ओपन करे भैया एडीएस यूज करते हो तो क्रॉसियर यहां पर देख रहे हो एक जगह स्टक ही नहीं हो रहा है। तो अब हम सेटिंग चेंज करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप एडीएस की गाइस, इसको कर देते हैं फुल। अब देखना भैया एकेएम का रिकॉइल, तो गाइस ये सेटिंग होती है क्रॉसियर की थर्ड पर्सन नो स्कोप की, ठीक है, तो आपको वहां पर यूज करना है थर्ड पर्सन नो स्कोप एडीएस का। आपका ये ऐसे काम करेगा, आपको हाई सेंसिटिविटी में रखना उसको, जिससे कि आपका एम या फिर क्रॉसियर हिले ना, ठीक है। तो ये हो गया गाइस अपना, अब चलते हैं आपको और कुछ दिखाते हैं। चलो फिर किधर गए, चलो सेटिंग्स पे और एडीएस, देन आपको रेड डॉट होलोग्राफिक्स एम असिस्ट की दिखाता है, इसको गाइस कर देते हैं वन। अब देखना गाइस अपना जब मैं फायर कर रहा हूं तो मतलब एम एक जगह नहीं रुक रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है, देख रहा है ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस मैं आपको बता देता हूं, इसकी सेटिंग मिनिमम आपको कम रखनी है, जहां मान लो कैमरा की 30 है तो इसको 25 अराउंड रखना है, ठीक है। तो यहां पर अपन इसको रख लेते हैं, चलो देखते हैं फुल करके देखते हैं क्या काम करता है ये। तो देखो हाँ अभी तो रिकॉइल काम नहीं कर रहा था, अब देखना गन इधर इधर मूव कर रही है, एक जगह रुक ही नहीं रही है, मतलब खतरनाक है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, अब बात करते हैं यार इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, देखो हाँ तो अपन रेड डॉट की भी दिखा देते हैं आपको, देखो रेड डॉट ये देखो एक जगह रुक ही नहीं रहा भाई साहब, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस पबजी में, ठीक है। सेंसिटिविटी पे आ गए, अब इसको अपन कम कर लेते हैं, कम कितना करते हैं चलो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर अपन रख लेते हैं 30 30 30, ओके 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 30, ओके तो 30 रख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो गाइस रिकॉइल, अब बोल रहे हो गए आप कि भैया तू तो पास से रिकॉइल हैंडल कर रहा है, थोड़ा दूर चलते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। ये देखो थोड़ा दूर, इतनी दूर में तो आप रेड डॉट यूज करते हो यार, और दूर चल जाते हैं और क्या है, इतने दूर ज्यादा ज्यादा आप इतने मिड रेंज में यूज करते हो ज्यादा ज्यादा रेड डॉट बस, या फिर क्लोज रेंज में, ठीक है। तो ये हो गई रेड डॉट की सेटिंग गाइस, ये परफेक्ट है, ठीक है, मतलब परफेक्ट है। यहां पर रेड डॉट की कैमरा में 35 थी और यहां पर 30 कर ली हमने, सिंपल सी बात है एडीएस की। अब 3x की दिखाता हूं गाइस, 3x की हमने फुल कर दी, देखो कैसे नाच रहा है अपना 3x, देख रहे हो ये 6x को 3x में कन्वर्ट कराया गया, इसी मत भूलना मैंने, ये देखो कैसे नाच रहा है, मैंने फुल कर दी तो ADS 3x की। तो अब देख तो इसको कर देते हैं क्या वन, मतलब कहां गई, ओके तो इसको कर देते हैं गाइस वन। अब देखो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, तो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी कैमरा और ADS की सेटिंग, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं गाइस नीचे, नीचे जाने के बाद अपन ADS को कर देते हैं अराउंड 20 20 26। अब देखो रिकॉइल थोड़ा दूर चले जाते हैं गाइस। सो गाइस ऐसे काम करते हैं, कैमरा की भी सही होनी चाहिए और आपकी ADS सेटिंग भी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप चाहो तो क्राउच करके और जीरो कर सकते हो, क्राउच एंड प्रोन करके भी जीरो कर सकते हो, एंड पीक करके भी भैया, तो और तो भैया खतरनाक वाला रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। तो ये है गाइस 3x सेटिंग, आपको इसी तरीके से भी ये काम करनी है। मैं ज़ायरो यूज नहीं करता हूं, तो भैया ज़ायरो की नहीं बताऊंगा, जो यूज नहीं करते हैं तो वो आपको क्यों बताऊं। तो गाइस आपको सेटिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कैमरा और ADS। देखो गाइस क्या है, कैमरा गाइस कैमरा ओपन करने के बाद जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं कैमरा की सेटिंग, जैसे लेकिन दोस्तों जैसे आप फायर करने लगते हो तो वो हो जाती है गाइस ADS की सेटिंग। आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आप स्कोप ओपन करते हो और मूव करते हो स्कोप को इधर उधर तो वो होती है कैमरा, और जब फायर करते हो तो वो हो जाती है ADS। एंड आई होप गाइस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और गाइस ये मेरा न्यू चैनल है, यहां पर बहुत ही धांसू धांसू सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। और आज की हमारी इस वीडियो का
सेकेंड कूपन कोड है वो स्क्रीन में शो हो रहा होगा। शो हो रहा है तो भैया नीचे कॉमेंट मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक ले टेक केयर, बाय।